साथियों नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसे कि आप जानते हैं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों से, प्रसिद्ध व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कराते हैं। तो आइए, आज इस क्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिष श्री आदर्श शर्मा जी से बातचीत और उनसे मुलाकात। तो आइए हम मुलाकात करते हैं श्री आदर्श शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शर्मा जी, ज्योतिष के क्षेत्र में आप विगत कई वर्षों से हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कब से आए और आपकी रुचि इसमें किस तरह से जागृत हुई। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योतिष के विषय में मेरा जो इंटरेस्ट था जी, वो बचपन से ही था, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे जो आदरणीय नाना जी हैं वो एक तो अपने क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष हैं। तो देखता था उनके पास, लोग अपना समस्या लेके आते थे और वो उनका समाधान लोगों को बताते थे, तो काफी प्रसन्न होते थे वो। और वो समाज सेवा का ही एक कार्य था जिससे वो जुड़ के कभी बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाते थे, तो कभी प्रेरणा तो वहीं से थी जी। फिर मैंने करीब 10-12 साल तक इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब इस विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, तो विगत 5 वर्षों से मैंने 2015 से मैंने इसे प्रोफेशनली करना शुरू किया है जी। और मेरा इस क्षेत्र में आने का एकमात्र उद्देश्य जो है, ज्योतिष की विधा को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना और लोगों को भय से बाहर निकालना, ये मेरा उद्देश्य है जी। अच्छा सर, ज्योतिष के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उसकी सच्चाई अलग होती है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं लोगों को भ्रांतियों से दूर निकालूं और सच्चाइयों से अवगत कराऊं। और एक कोइंसिडेंट बोल लीजिए कि मेरे जो चैनल, जो यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया है, अच्छा, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी भ्रांति नहीं सच्चाई है। और इस चैनल में मैंने ज्योतिष से संबंधित जितने भी विषय होते हैं जी, जिसको लेके लोग भयभीत होते हैं, जैसे कालसर्प दोष हो गया, मंगलिक दोष हो गया, या फिर बहुत सारे विषय हैं जैसे कि पितृ दोष हो गया, बहुत सारे विषय हैं, उसके विषय में मैंने सच्चाइयों से लोगों को अवगत करवाया है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके भ्रांति नहीं सच्चाई यूट्यूब में सर्च करेंगे और आपको सभी विषयों की जो सच्चाइयां होती है उसको आप जान पाएंगे और जो भी भय का वातावरण लोगों के मन में रहता है उससे मुक्त हो सकेंगे इसको देख कर। अच्छा, ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस तरह से सहायक हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले तो एक भ्रांति को लोग अपने मन से निकाल दें कि ज्योतिष कोई चमत्कार कर सकता है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं कर सकता, ज्योतिष को या ज्योतिष विद्या को एक मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में अभी जो भी घटनाक्रम चल रहा है, अच्छा या बुरा, उसके विषय में जानना चाहिए। आगे आने वाला समय हमारा किस तरह से होगा वो हमें जानना चाहिए। उसे अगर हमारा कोई समय बुरा है या बुरा आने वाला है जी, तो उसे किस तरह से हम सुगम कर सकते हैं जी, वो जानना ज्योतिष का काम है। ज्योतिष उसका एक मार्गदर्शन आपको दे सकता है कि आपको ये विद्या से, मतलब आपको ये उपाय करने चाहिए या इस तरह से आपको इस समस्या से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष आपकी समस्या को पूर्णतया तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपके जीवन को जीने योग्य सुगम जरूर बना देगा। तो यह एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी समस्या को ठीक कर देंगे, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ते होंगे जी, समस्या से छुटकारा पाइए, तो ये सब बातें मुझे थोड़ी सी काल्पनिक लगती हैं जी, और लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम में डालने की स्थिति लगती है कि आप ये पूजा करा लीजिए, ये शांति करा लीजिए। ठीक है, पूजा पाठ और शांति कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं, लेकिन वो हर बार इस तरह से, मतलब कोई दावा करे कि मैं इससे आपको मुक्त कर दूंगा या इस समस्या से खत्म करूंगा, ऐसा नहीं। जो आपको भोगना है उसको तो आपको भोगना ही होगा जी। हाँ, बस ज्योतिष जो है ये कर सकता है कि आपको एक सही मार्गदर्शन देके उसको सुगम बना सकता है जी। अच्छा, ज्योतिष के क्षेत्र में रत्न किस तरह से सहायक होते हैं, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, जैसा कि आप मेरे टाइटल में पढ़े ही होंगे, मैं एक रत्न विशेषज्ञ भी हूँ, रत्नों के विषय में मैंने अध्ययन कर रखा है। तो सबसे पहली चीज तो ये बता दूं, ये भी एक साइंटिफिक मेथड है जी। जी, ज्योतिष में जो रत्न होते हैं, रत्न पूरा साइंटिफिक, पूरी तरह से साइंटिफिक है। रत्न कोई चमत्कार नहीं कर सकते, रत्न सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वह उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देते हैं जिस ग्रह के वो रत्न है। मान लीजिए पुखराज बृहस्पति का रत्न है, तो बृहस्पति का आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है, वो शुभ है कि अशुभ है, ये एक ज्योतिष पहले जांच ले। यदि उसके बल में कमी है तो उसके बल को बढ़ाने के लिए अगर आपको वो
उस रत्न को धारण करवा दें तो उस ग्रह का बल बढ़ने से वह ग्रह आपको ज्यादा अच्छा फल देने लगता है। यही इसका मूल मंत्र है जी। इसके अलावा कुछ भी बातें आप जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट में राशि रत्न उपलब्ध है या पूरा रत्नों का चार्ट दिया रहता है, तो ये कहीं ना कहीं सर्वथा अनुचित है, लोगों को कभी इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपको वाकई में रत्न धारण करना है तो सबसे पहले अपने लग्न कुंडली का जांच कराना चाहिए, उसके बाद जो एक योगी ज्योतिष अगर आपको कोई सजेशन दे कि आप ये रत्न पहनिए इससे आपका कुछ कल्याण होगा, तो ही उस रत्न को विधि विधान से पूरी तरह से मुहूर्त देखकर सही वजन और सही पैरामीटर के आधार पर ही उसको धारण करना चाहिए। किसी भी वजन का रत्न, किसी भी तरह का रत्न हर कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, उसकी कुछ निश्चित पैरामीटर मापदंड होते हैं, उसके आधार पर ही इसको धारण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके मतलब मुझसे समय लेके आप मिल सकते हैं। उसके अलावा जहां हम अभी बैठे हैं, जहां शूटिंग हो रही है जी, मेरा ऑफिस है खुशालपुर मेन रोड तिरंगा चौक पर जी, तो यहां पर भी आके संपर्क कर सकते हैं जी, और संपर्क करके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं जी। लेकिन इसके लिए आपको अपना जन्म तिथि और जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीन चीजों का होना आवश्यक है। जन्म कुंडली ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ये तीन विवरण का होना आवश्यक होता है जी, तो इसको लेके आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत ही कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं, तो इसका राज क्या है? देखिए सर, मैं किसी भी भ्रांति को बढ़ावा नहीं देता कभी भी जी। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं अपने मार्गदर्शन के लिए जी, वो काफी भयभीत स्थिति में आते हैं जी, जी। वो प्रसिद्ध से प्रसिद्ध ज्योतियों से मिल चुके रहते हैं जी, जी। और बहुत भय का वातावरण लेके वो आते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं जी, कि, तो मैं उनको भय से मुक्त करता हूँ जी, जी। इतने डरने की आपको आवश्यकता नहीं है और उनको बहुत सुगम और बहुत आसान उपाय बताता हूँ जिससे कि वो इस चीज से बाहर आ सके जी, जी। और मेरा उद्देश्य ज्योतिष जागृति फैलाना ही, मेरे केंद्र का नाम भी ज्योतिष जागृति केंद्र है जी, जी। तो मैं ज्योतिष के विषय में जागृति फैलाने का ही कार्य करता हूँ जी। और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भारत के बाहर से भी हैं, क्या बात, और वो मुझसे ऑनलाइन संपर्क करके जानकारी लेते रहते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं जी, जी। काफी पसंद करते हैं मेरे जी, चैनल जी। के वीडियोस को जी। तो मेरा उद्देश्य यही है, इस कारण शायद लोग मुझे पसंद करते होंगे कि भय से बाहर मतलब मेरे ऑफिस के बाहर पैर रखते ही जी, जी। उनको एक भय का वातावरण से मुक्ति मिलती है, शायद यही कारण होगा। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है सर कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में जागृति फैला रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आज आप हमारे यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमने मुलाकात की श्री आदर्श शर्मा जी से, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिष हैं। तो आप अगले क्रम में किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।